फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है टेक विद सूर्या। तो ओबियसली दिख रहा है तो हमारे पास काफ़ी खास टॉपिक रहने वाला है वीवो के यूनिट्स के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फटाफट से कर लो उस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ओबियसली दिख रहा है तो हमारे पास काफ़ी सब्सक्राइबर भी हैं और काफ़ी यूज़र भी हैं जो कि यूज़ कर रहे हैं अपने वीवो के हैंडसेट को और उसमें यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट थीम्स को। और ओबियसली दिख रहा है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं फोकस करूँगा अपने चार्जिंग एनिमेशन के ऊपर, क्योंकि दिख रहा है तो काफ़ी लोगों की डिमांड रहती है कि वो अपने वीवो के हैंडसेट में चार्जिंग एनिमेशन को यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन तो पहले नंबर की थीम की बात करते हैं जिसका नाम है आगलेयर। तो आप जैसे ही आप यहाँ पर अपने थीम स्टोर में जाकर उसमें इसी नाम को यहाँ पर सर्च करें तो आपको इसी थीम्स को मैं आप देखने को मिल जाएगा। कुछ इसी तरीके का आपको लुक देखने को मिलेगा जिसका हमें साइज हमें अप्रॉक्स 9 MB के आसपास देखने को मिल जाएगा, जिसका साइज हमें 8.72 MB के आसपास हमें देखने को मिल जाएगा। और साथ ही इसके जो प्राइस की बात करते हैं तो हमें प्राइस इसके अंदर हमें 60 रुपीज़ देखने को मिल जाएगी। और उसके चार्जिंग एनिमेशन की बात करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। और एक और मैं आपको चीज़ बताऊँ कि ये वाला जो चार्जिंग एनिमेशन है जो कि मैंने सबसे पहले ट्राई किया था, तो मैंने इसी चार्जिंग एनिमेशन को करीब 15 से 20 दिन तक मैंने इसको ट्राई किया हुआ था। अगर आपको ये चार्जिंग एनिमेशन अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर इसको आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास है कोई 3 से 4 साल पुराना वीवो का डिवाइस, उसके लिए आपकी चार्जिंग एनिमेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जिसका जो वाली जो थीम्स है उसका साइज हमें काफ़ी कम देखने को मिल जाता है। और जो 4 से 5 साल पुराने वीवो के डिवाइस हैं वो हमें काफ़ी तरीके से हैंग होने लगते हैं। तो इस हिसाब से इस चार्जिंग एनिमेशन को आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास है कोई न्यू डिवाइस जिसको यहाँ पर जो समय 1 या 2 साल ही हुआ है, तो आप यहाँ पर कोई भी थीम्स को सिलेक्ट कर लीजिए। आपके में सभी थीम्स जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो एक तरीके से स्मूथली तरीके से वर्क करेंगी। और आपका डिवाइस हो चुका है ज़्यादा पुराना तो आप इस थीम्स को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। और अब इसको यहाँ पर परमानेंटली तरीके से आपको एक्टिवेट कैसे करना है, जिसका प्राइस जो मैं 60 रुपीज़ देखने को मिलेगा, वो मैं वीडियो के आगे बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ थीम्स और बताता हूँ। तो हम नेक्स्ट थीम की बात करते हैं जिसका नाम है स्पेशल इफेक्ट, जो कि आप यहाँ पर अपने थीम स्टोर पर जैसे ही सिंपली तरीके से आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का आइकन देखने को मिल जाएगा। इसका लुक हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, जिसका प्राइस हमें 15 रुपीज़ के आसपास और इसका जो साइज हमें यहाँ पर 14.67 MB के आसपास हमें देखने को मिल जाएगा। और इसका जो चार्जिंग एनिमेशन की बात करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जिसका हमें कुछ इस तरीके का लुक देखने को मिलेगा। और अब नेक्स्ट थीम की बात करते हैं जिसका नाम है प्रो मैक्स, जो हमें काफ़ी अच्छी तरीके से थीम देखने को मिल जाएगी। और जो थीम है ये वाली वो पूरे iOS पे बेस्ड रहने वाली है और इसका जो लुक के साथ साथ हमें कुछ इसका जो नोटिफिकेशन वार रहता है वो भी हमें iOS की तरह हमें कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जाएगा। और इसका जो डायलर रहता है उसको भी हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। और उसका जो चार्जिंग एनिमेशन की बात करते हैं वो भी हमें कुछ iOS की तरह देखने को मिल जाएगा, जिसका आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। और अब नेक्स्ट थीम की बात करते हैं जिसका नाम है एक्सट्रीम एक्सेस, जो कि एक तरीके से इसका जो वॉलपेपर है हमें काफ़ी यूनिक देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास है कोई वीवो का डिवाइस जिसमें यहाँ पर HD डिस्प्ले है, Full HD+ नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा वॉलपेपर रहने वाला है, क्योंकि ये वाला आप जैसे ही वॉलपेपर अप्लाई करेंगे, ये वाले थीम अप्लाई करेंगे तो इसका जो वॉलपेपर है वो हमें कुछ Full HD की तरह ही लुक हमें एक तरीके से देगा। तो आप यहाँ पर उसको भी यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। और इसके अंदर हमें कुछ चार्जिंग एनिमेशन देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो लॉक स्क्रीन है वो हमें काफ़ी तरीके से सिंपल देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसका जो साइज है वो हमें 10.27 MB के आसपास देखने को मिल जाएगा, जिसका प्राइस हमें 60 रुपीज़ है। बट मैं वीडियो में आगे आपको बताऊँगा कि आप इसको परमानेंटली तरीके से कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट थीम की बात करते हैं जिसका नाम है क्लासिक OS, जो कि एक तरीके से ये भी हमारे पास जो OS है वो हमें iOS पे बेस्ड रहने वाला है, जिसका मैं आइकन के साथ साथ इसका जो नोटिफिकेशन वार और साथ साथ इसका जो डायलर रहता है वो हमें कुछ iOS की तरह देखने को मिल जाएगा। और इसका जो साइज है वो हमें यहाँ पर 10 MB के आसपास देखने को मिल जाएगा। और उसका जो प्राइस है वो हमें 60 रुपीज़ देखने को मिलेगा। और उसके जो चार्जिंग एनिमेशन की बात पर नज़र डालते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने इसको भी यहाँ पर ट्राई किया हुआ था 15 से 20 दिनों तक। आप भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पर जो चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाता है, काफ़ी यूनिक भी देखने को मिल जाता है। आप इसको यहाँ पर ट्राई ज़रूर कर सकते हैं आप। लेकिन अब ट्रिक बताने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकती हो। क्योंकि जो छोटी छोटी बातें हैं मैं यहाँ पर
इंस्टाग्राम में स्टोरी में पोस्ट करता रहता हूँ। फटाफट से बात कर लेते हैं कि इन थीम्स को यहाँ पर आप लाइक कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले चले जाऊँगा अपने थीम्स वाले आइकन पे। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ सेटिंग में कर लेनी है, जैसे कि आप यहाँ पर सेटिंग में मैं चले बता देता हूँ। और सेटिंग में बता जैसे यहाँ पर ऑल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है जिसका नाम है थीम्स। उसके आपको वर्जन को क्या है आपको डाउनग्रेड करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो एक तरीके से जो थीम्स है वो हमें कुछ जो थीम्स हैं बेसिकली वो हमें यहाँ पर उसी वर्जन पे काम करते हैं। अगर उससे हायर वर्जन रहता है तो उसके में हमें और कोई जो थीम्स वर्क नहीं कर पाती हैं, जिसका वर्जन हमें 5.6.4.0 देखने को मिल जाता है। और इसके जो एक तरीके से जो 6.0 के ऊपर के वर्जन है उसमें यहाँ पर जो एक तरीके से जो ट्रिक है वो हमें कवर नहीं कर पाती है। और आपके 5.6 के साथ साथ आपको 5.7 या 5.8 भी वर्जन रहता है अगर, तो उस पर यहाँ पर वर्क करेगी। अगर आपके यहाँ पर जो लेटेस्ट डिवाइस है उसके लिए मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली रखी है, आप वहाँ से जाकर अपने थीम्स की एप्लीकेशन को डाउनग्रेड सिंपली तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे, वहाँ से आप एप्लीकेशन के बाद ऑल पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर इसमें यहाँ पर अनइंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप सिंपली तरीके से आप यहाँ पर अपडेट इस अपने एप्लीकेशन को डाउनग्रेड कर सकते हो अनइंस्टॉल अपडेट करने के बाद। और उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, काफ़ी लोगों को लग रहा हुआ कि मैं यहाँ पर अपने वीवो का डिवाइस यूज नहीं कर रहा हूँ, कोई दूसरा डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर iOS वाली थीम मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपको भी करना है iOS थीम कैसे करना है अप्लाई, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। नहीं तो आप यहाँ पर एक मेरे चैनल पर जाकर आप यहाँ पर इफेक्ट थीम्स नाम की जो प्लेलिस्ट को सर्च कर आप वहाँ से एक तरीके से वीडियो को वॉच कर सकते हो और अपने डिवाइस को भी कन्वर्ट कर सकते हो iOS में। तो लिंक वीडियो को भी मैंने यहाँ पर आई बटन पर डाल कर रखी है, आप सिंपली तरीके से जाएं आई बटन पे उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप जान लें कि ट्रिक को कैसे करना है अप्लाई। तो अपने एप्लीकेशन को जैसे ही आप यहाँ पर डाउनग्रेड करेंगे उसके बाद आपको चले जाना होगा थीम्स वाले ऑप्शन पे, उस पर आप जाएंगे लोकल वाले ऑप्शन पे। और लोकल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको सिंपली तरीके से जाना होगा सेटिंग वाले ऑप्शन पे, और वहाँ पर जो चेंज होम स्क्रीन वॉलपेपर बेस्ड ऑन थीम नाम से जो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको सिंपली तरीके से उसको इनेबल कर लेना है। और सेकेंड वाले ऑप्शन को जो कि स्क्रीन लॉक जो वॉलपेपर रहता है बेस्ड ऑन थीम उसको भी आपको यहाँ पर इनेबल कर लेना है। और उसके बाद आपको चले जाना होगा लोकल थीम्स वाले ऑप्शन पे, जो आपने यहाँ पर थीम्स को डाउनलोड किया हुआ होगा उसके बाद आपको यहाँ पर ट्राई नाउ के बाद उसको आपको डाउनलोड किया हुआ होगा। उसके बाद आपको जो थीम्स है वो हमें यहाँ पर लोकल वाले थीम्स में चली जाएंगी। उसके बाद आपको जैसे ही उस पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ट्राई इट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो हमारे पास जो थीम्स है वो हमारे पास ये 5 मिनट के लिए अप्लाई हो जाएगी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको परमानेंट तरीके से एक्टिवेट करना है। तो आप यहाँ पर इस तरीके का जो एक थीम्स है उसको आप यहाँ पर लुक देख सकते हैं, जो कि मैं कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। उसका नोटिफिकेशन बार कुछ इस तरीके का है। तो अब इस थीम्स को आप करना है परमानेंटली तरीके से एक्टिवेट। तो उसके लिए सबसे पहले जाना होगा थीम्स वाले ऑप्शन पे, और थीम्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको चले जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन पे, और उसके बाद जो सेटिंग इनेबल की हुई थी उनको आपको कर देना है डिसेबल, तो सेकेंड वाली और ये फोर्थ वाली। उसके बाद आपको चले जाना होगा यहाँ पर बैक, और बैक जाने के बाद लोकल थीम्स के बाद, और उसके बाद आपको चले जाना होगा सिस्टम थीम। और उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो सिस्टम थीम्स है 4 थीम्स आपको देखने को मिल जाएंगी, उनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पहली वाली को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको करना है अप्लाई। तो अप्लाई करने के बाद आपको क्या लगेगा, क्या हुआ कि आपका जो वॉलपेपर है वो हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, जो कि एक्सट्रीम OS वाला था। उस पर जो हमें लॉक स्क्रीन वॉलपेपर जो कि हमारे पास जो चार्जिंग एनिमेशन है वो भी हमें यहाँ पर एक वही देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर एक बताया था जो एक्सट्रीम OS के साथ आना था, तो वही हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं चार्जिंग एनिमेशन आपको अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो हो रहा है रिकॉर्ड, और नहीं तो वीडियो स्टॉप हो जाएगा। आप यहाँ पर इस ट्रिक को अप्लाई करिए और ख़ुद एक्सपीरियंस कीजिए अपने चार्जिंग एनिमेशन को, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर हमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से करो चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपके मन में कोई सवाल देना चाहते हैं, कोई सुझाव, तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।